अभी देखो तो सब ठीक है क्या? हाँ सर, येलो मार्क। हाँ सर, क्लियर ठीक है। हाँ तो इसका आंसर 2 से 3 आ गया। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? √3 √2। कैसे लिखेंगे? रुट रुट से थोड़ी ना आएगा। 5 √3/2 to 5 + √13। थोड़ा सा जोर से बोलोगे क्या? अभी साउंड नहीं आ रहा, कम आ रहा है साउंड। हाँ 5 √13/2 to 5 + √13/2। हाँ बढ़िया। इसका रूट लिखते हैं ना, 5 + −b² 25 − 4ac, कितना आ जाएगा? √13 आ रहा है ना, बाई टू है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 5 − √13/2 और यहाँ पर 5 + √13/2। इतना क्लियर है क्या? ये कितना आ गया, प्लस माइनस और प्लस। तो अभी आंसर कितना आएगा इस केस में? 5 − √13/2 से 5 + √13/2। इतना क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक क्लियर है। अब एक लास्ट एक और चीज आती है इसी में, थर्ड क्वेश्चन। ये बताओ क्या होगा, x² + x + 1 < 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ दिख रहा नहीं, सब ब्लर दिख रहा। क्या फिर से ब्लर दिख रहा है? नहीं सर, क्लियर नहीं सर, बराबर सर, बराबर क्लियर है, बराबर क्रिस्टल क्लियर। इस बार सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सर इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। क्यों सर? नो रियल रूट्स। नहीं, रियल रूट्स नहीं है तो क्या हुआ? रियल रूट्स नहीं है तो क्या हुआ? बोलो। ठीक है, मतलब वो 0 से कभी छोटा नहीं होगा एक्सप्रेशन। तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ये 0 से कभी बड़ा नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि उसका आंसर माइनस में ही आएगा। ऐसा थोड़ा होता है, क्या कारण क्या है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो क्या होता है, सुनो सर, वो उसका स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो स्क्वायर एक्स से बड़ा है तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक तुम लोग जो साइन स्कीम में सीखे हो, ठीक है, तो तुमको नॉर्मल क्वाड्रेटिक आता है, वैसा क्वाड्रेटिक आता है। देखो क्या होता है, हाउ टू डील विथ क्वाड्रेटिक्स इन साइन स्कीम। वेन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव। अच्छा, टेंथ से क्या पढ़ के आए हो? टेंथ क्लास से? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो क्या होता है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। क्लास 10th, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। लैग हो रहा है? नहीं सर, बराबर है, बराबर है, बराबर नहीं हो रहा सर। क्लास 10 से क्या पढ़ के आए हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट होता है ना? यस सर, ये हम लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हैं, नो रियल रूट होता है। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है कि जब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है, जो क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि वो क्वाड्रेटिक, मान लो ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक होती है, मानते हो?
हाँ सर ठीक है, जैसे जैसे एक्स डालते हो वैसे वैसे वाई की वैल्यू आते जाती है, ये भी मानते हो? Yes. As you put the value of x, वैसे वैसे इसमें y की वैल्यू आते जाती है, तो यही होता है ना क्वाड्रेटिक, तो है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू आते जाएगी, यही होता है ठीक है। तो अभी तुम ये देखो कि जब तुम इसमें से इस केस में तुम ये बोल सकते हो ना कि लेट से यहां पर तुमने x a को बाहर निकाला, ध्यान देना मैं कुछ कर रहा हूं ध्यान से, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए ठीक है। अब देखना ध्यान से एक्स स्क्वायर, ये तुमने टेंथ में किया हुआ है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, b बाई टू ए इंटू एक्स इंटू टू प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, यहां तक भी क्लियर है ठीक है। तो अभी देखो तुम a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस यहां पर एलसीएम ले लो तो ये लिखा हुआ है फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। बाई द वे डिस्क्रिमिनेंट मालूम है टेंथ क्लास में डिस्क्रिमिनेंट क्या था, याद है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था ना डिस्क्रिमिनेंट? यस सर। अरे ये चीज टेंथ क्लास की ध्यान है कि नहीं ध्यान है, डिस्क्रिमिनेंट वाज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यस सर। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहां पर ध्यान से देखो क्या बन रहा है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें समझो कि अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो क्या हो रहा है बताओ, अगर डी नेगेटिव है तो ये टर्म क्या है तुम्हारा हमेशा, ये तो पॉजिटिव है ही है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना? यस ये तो पर, ये तो पर इसको, ये तो परफेक्ट स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है और डी नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, डी नेगेटिव है तो माइनस डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बार फिर से फिर समझाऊं? ठीक है sir, अभी जो बोर्ड, हाँ सर, वो थर्ड स्टेप कैसे है, कौन सा थर्ड स्टेप सर, वो ऊपर से थर्ड स्टेप है ना, a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2। हाँ सर, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2a कर दिया, तो 2 इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग क्लास टेंथ में करते थे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ना फिर, इसका ये b बाई टू ए का परफेक्ट स्क्वायर दिया यहाँ पे, तो प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, क्या हो गया बोलो, हेलो हेलो सर, आ रहा है आवाज? हाँ, तो अपना क्या बन गया डी, अब बताओ वापस देखो क्या हो रहा है कि यहां पर एक्स प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है ना, यहां पर x प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव है, और माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर कैसा हो गया, डी नेगेटिव है ना, तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया सर, वीडियो ऑफ है,
ये पूरा टर्म कैसा हो गया? ये पूरा टर्म कैसा हो गया बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो हाँ अब ए पे नहीं, तो अब बस ए पे डिपेंड करेगी ना चीजें वापस से बस, तो अगर हाँ सर, तो उसका मतलब हाँ सर, तो जो एक बार पूरा कॉपी करो फिर वापस से लिख रहा हूँ, एक बार कॉपी करो पूरा, रब करें? नो सर। सर थोड़ा सा साइड में। हो गया सर। यहाँ तक हो गया है क्या? यस देखो, तो मैं तो तुम वापस से देखो तो मैं कहाँ तक पहुंचा था, सर्वेश ने एक डाउट भी पूछा था कैसे आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को मैं क्या बना के दिखा दिया तुमको, ये कैसा बन जा रहा है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा सर। सर फिर y का साइन a पे डिपेंड हो जाएगा। हाँ y तो कुछ नहीं है, y तो आउटपुट है, तो अगर d नेगेटिव है तो देखो ना क्या लिखा हुआ है यहां पर, a इंटू ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है ना, एज अ होल क्या हो गया, ए पे डिपेंड कर रहा है बस साइन है ना, एज अ होल जो साइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है ना बस, है ना। इसका मतलब क्या मालूम चला, इफ फॉर अ क्वाड्रेटिक बोलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है देन क्या, देन बताओ, इफ ए इज पॉजिटिव then quadratic is always positive, if a is negative then quadratic is always negative। ये पढ़ाया होगा ना सर ने आपको, मैं बस रिपीट कर रहा हूं, सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये,
कौन से सर ने? एक ही सर तो पढ़ाए मेरे अलावा आप लोगों? नहीं सर, नहीं पढ़ाया। अच्छी बात, ठीक है, चलो। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुमको वापस से अच्छे समझ में आया जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। अभी क्या कह रहा हूँ मैं कि एक एक्सप्रेशन में अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो तुम बस फिलहाल के लिए याद कर लो कि अगर ए पॉजिटिव है तो जो कुछ भी एक्स डालोगे तो वो जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसा आउटपुट देगा, मतलब उसके जीरोस ना? हाँ, नहीं नहीं, हाँ जीरो नहीं बता, वो अगर ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो कुछ भी एक्स डालोगे इसमें वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव 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 रहेगी। और अगर ए नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कुछ भी एक्स डालेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? तो साइन स्कीम में इसका इफेक्ट आएगा ना फिर थोड़ा बहुत तो? हाँ सर। एक बार कॉपी करो, मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी करो एक बार, थोड़ा सा राइट साइड मिलो ना। हाँ रब करें क्या इसको? हाँ सर। यस सर। यस सर। देखो जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तुमको समझ में नहीं आया कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ अभी फिलहाल, आप बिल्कुल ध्यान समझना। ये देखो क्वेश्चन सुनो, x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताओ? I want to discuss this. How to solve this? Number line पे क्या plot करोगे? One plot करेंगे. One plot करेंगे. इसका क्या होगा? इसका ये कहाँ जाएगा? Sir one. वन प्लॉट करेंगे, सही कह रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सर उसका भी तो वन ही प्लॉट करेंगे ना, क्योंकि उसका ए वन। नहीं 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 नहीं, वही तो देखो क्या हो रहा है, सुनो। साइन स्कीम में क्या था कि अगर क्वाड्रेटिक आती थी, अगर ए अगर क्वाड्रेटिक आई साइन स्कीम में इज इन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो अब तक तुम क्या करते थे, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक कैसी हो सकती है, या तो फैक्टराइजेबल, या तो फैक्टराइजेबल है ना, मतलब रियल रूट्स होंगे तो तुमको करने आता ही है। अगर नॉन रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, अगर नॉन रियल रूट्स होंगे, अगर नॉन रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, अगर नॉन रियल रूट्स होंगे तो देखो ना, अगर ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक जो है हमेशा नेगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक जो है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो नीचे वाला है वो तो हमेशा पॉजिटिव है ना, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो तो हमेशा पॉजिटिव है ना। एक बार इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के खुद से देखो ना क्या बन रहा है, देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बताओ तो, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। ये तो ऑल, ये तो कुछ भी एक्स डालोगे दिस इज गोइंग टू रिमेन क्या, ऑलवेज पॉजिटिव ना। वो कैसा है, कौन सा वो अभी आपने किया ना, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर,
टेंथ में नहीं किया तुमने ये, देखो ना कैसे करे, टू ए और हाफ और वन बाई फोर प्लस वन माइनस वन बाई फोर, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी बनाते हैं ना अपन टेंथ में, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी बनाते हैं ना अपन टेंथ में, नहीं बनाते हैं है ना, इसमें तो सर तीन तीन है ना, हाँ तभी तभी तो बना रहे हैं ना, इन तीन टर्म से बना दिया अपन ने, सर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड पिछले साल सिलेबस से निकाल दिया था, हाँ? मतलब हमें पढ़ाया नहीं था सीबीएसई में, तो स्टेट बोर्ड में भी नहीं पढ़ाया था मुझे, सीबीएसई में तो पढ़ा था सर, यस सर सीबीएसई में पढ़ा था, कोई बात नहीं यार ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंडिया रॉक्स है, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है हम लोग और चीजें कम पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं, कोई बात नहीं यार, देखो क्या होता है कि भारत है यहाँ रहना है तो ठीक है, देखो ax square plus bx plus c, ठीक है देखो मेथड क्या है ना, मेथड कुछ नहीं होता है, a बाहर निकाल लो समझो b by, बट तुम लोग शुरू में बैच शुरू हुआ था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब तो मैंने कराया था ना बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले, नहीं कराया था क्या मैंने, नहीं सर नहीं, ये वाले मेथड से कुछ नहीं किया था, ठीक है तो कोई बात नहीं, अब तो मतलब x square plus b by ax plus c by a, ठीक है अब ध्यान समझो, ठीक है अरे बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है a into x square plus b by ax plus c by, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है अब सर्वेश सर्वेश ये समझो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ये समझो कि सर क्या कर रहे हैं, बोलो सर्वेश यहां तक क्लियर है बेटा, नहीं सर क्या नहीं समझा बताएं यहां पे, बोलो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ये नहीं समझा, वो समझा सर उसके आगे वाला, ठीक है हाँ, तो यहाँ पे मैंने b स्क्वायर बाई a, अच्छा ये बता सर्वेश x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो ना बेटा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका y है, तो ये जो y है इसके लिए मैंने y स्क्वायर क्रिएट किया यहाँ पे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, समझे अभी, अब अगर मैंने b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड किया है तो मैं b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर सबट्रैक्ट करूंगा ना, अरे कोई चीज अपने मन से ऐड कर दिया मैंने तो उसी को सबट्रैक्ट करूंगा ना, ठीक है तो अब ये तीनों टर्म मिला के क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, बोलो ये क्लियर है, ठीक है तो अब बताओ क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बोलो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, ये समझ में आया सर्वेश, वो सेकंड स्टेप नहीं समझा, 4ac माइनस एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया नहीं आता है, दो a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा ना, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा, तो 4ac माइनस b स्क्वायर, हां सर ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो यहां देखो x square minus x plus 1, इसका बताओ इसका completing the square किया जाए क्या होगा, बोलो कैसे करेंगे, x square minus 2 into x into half plus 1 by 4 plus 1 minus 1 by 4, बोलो यहां तक क्लियर है, क्या हो जाएगा बताओ, x minus 1 by 2 का whole square plus 3 by 4, यहां तक क्लियर है,
सो उसमें से x कॉमन आएगा ना? कहां से x कॉमन आएगा? सेकंड स्टेप में से जो x कॉमन आएगा सर आपने भी एक अरे बेटा सर्वेश जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ना वो साथ साथ तुम भी कॉपी में लिख के देखो क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे a कॉमन निकाला ना क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a था, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 है ना, तो 1 तो 1 ही होता है। तुम ये समझो ना तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसका क्या बनेगा बताओ? वीडियो बंद हो गया, दो मिनट रुक जाओ। देखो आ गया वीडियो, आज ही में दुनिया के सारे कॉल आ जाएंगे, पता है कॉल आ रहा है इस नंबर से, बताओ बहुत ऐसे। हाँ तो तुम आए पे फोटो लिए हैं, वही नंबर है क्या? कर ले। हाँ क्या बना? x plus half the whole square minus 7/4। माइनस हाफ नहीं आएगा ना, x square plus हाँ plus 2 into x। कितना बन गया बताओ? x प्लस प्लस 7/4। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो 2x। फिर उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है बस, अभी मैं यही सिखा रहा हूँ तुमको, आज तुमको स्प्लिटिंग द स्क्वायर सिखा रहा हूँ बस। ठीक है ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बताओ क्या करें? टू बाहर निकाल ले, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x बाई 2 प्लस 1/2। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है क्या होगा बताओ? x प्लस कैसे करेंगे इसको बताओ? x स्क्वायर क्या हो गया, कुछ कर नहीं पा रहा है, प्लस 2x बाय 4 प्लस 1/16 स्क्वायर 1/2 माइनस 1/16 है ना, तो क्या बन जाएगा बताओ? x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 14/32 7/16। अरे क्लियर है क्या? कॉपी कर लिए? दो मिनट। सर वो आपने 2 - 1/4 के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, अगला स्टेप यहाँ पे है।
इन सबको करो। हाँ हेलो, बन रहा है क्या? यस यस सर। अरे बन रहा है ना? हाँ सर। अब फिर नेक्स्ट क्लास कभी है? कल लगी, कल ही है ना अगली क्लास? तो क्लास कब है अपनी? यस सर कल। हाँ सर कल। कल एक बार मैं ये चैप्टर वापस से पढ़ाऊंगा। अब प्लीज एब्सेंट मत हुआ करो कोई यार, जब जिसको मन आता है एब्सेंट हो जाता है यार।
सर हाँ बोलो थर्ड में माइनस को कॉमन लेंगे ना हाँ सर वो फिफ्थ में स्प्लिटिंग से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर सब में सेम चीज करना है सब में वही करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाए करना है सब में
डन सर हो गया क्या सर लास्ट टाइम आया पहले या कितना आया पहले या कितना आया x plus 1 by 2 whole square plus 1 by 2 whole square plus 11 upon 4 दूसरे का 3 into x plus 1 by 3 into whole square plus 2 by 9 यहाँ पे 1 बाई 6 आएगा ना तुमने यहाँ पे 1 बाई 3 बना दिया है सर्वेश सर तुमने 1 बाई 3 बना दिया अंदर में 1 बाई 9 बनेगा ना ये देखो ना तुमने x स्क्वायर प्लस x बाई 3 प्लस 1 बाई 3 किया ना ठीक है तो क्या बन जाएगा 3 इंटू बताओ सर 2x बाई 3 किया अरे तो अपने हाथ में थोड़ी ना है कि 2x by 3 किया तो 2x दिया तो यहाँ पे 1 by 6 करना पड़ेगा ना यहाँ पे 1 by 3 यहाँ पे क्या था 3 था ना बस तुमने यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पर 6 दोगे ना x by 3 बनाने के लिए हाँ सर हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 by 36 प्लस 1 by 3 minus 1 by 36 ठीक है कितना आ गया बोलो x plus 1 by 6 the whole square plus 11 by 36 ये क्लियर है थर्ड क्वेश्चन ये सेकंड का था ना यस सर थर्ड क्वेश्चन कितना आया बताओ माइनस ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू द होल स्क्वायर प्लस फाइव बाय फोर ये आया है क्या मेरा तो यही आया बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या आकांक्षा वगैरह कहाँ पे आकांक्षा सुरभि क्रिस्टीन हाँ बोलो सर्वेश नहीं सर बराबर कहाँ हो तुम लोग भाई सुरभि वगैरह क्रिस्टीन कुछ बोल ही रहे हो चुप बैठे हो क्लास में फोर्थ का कितना है क्रिस्टीन आंसर सर हाँ सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए इसलिए मैं अभी कर ही रही हूँ सर मुझे तुमने डाउट है सर सर हाँ हाँ सर वो मुझे सेकंड में डाउट है किसको कौन नाम बताओ श्रेयस हाँ श्रेयस बताओ क्या डाउट बेटा सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में सर आपने वहाँ पे माइनस वन बाय 36 क्यों लिखा प्लस होना चाहिए ना बेटा आपने यहाँ पर प्लस वन बाय 36 किया है ना अगर आपने यहाँ पर प्लस वन बाय 36 किया है तो आपका ये माइनस होगा ना वन बाय 36 हाँ सर वो मैंने गलत लिखा ठीक है तो कितना आ जाएगा बताओ 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 बाई 36 थर्ड का आंसर रूही व्हाट इज द थर्ड का आंसर माइनस इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 5 बाई 4 नहीं सर 3/4 फोर्थ का ताहा फोर्थ का आंसर बेटा ताहा फोर्थ का आंसर सर मेरा रूट में आया किसका
फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर रूट में कैसे आया? माइनस टू बाहर निकाले, माइनस टू बाहर निकाले, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू, यही आएगा आंसर। बताओ कौन बोल रहा है? श्रेयस। रुको श्रेयस, दो मिनट रुको, यहाँ तक सही लिखा है ना मैंने? अब देखो माइनस टू इंटू कैसे करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन बाय फोर, टू एक्स बाय माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय सिक्सटीन, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फोर द होल स्क्वायर, हाँ प्लस सेवन अपॉन सिक्सटीन, सेवन अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। कहा आपको आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ है था? क्लास में नहीं है क्या? पता नहीं। कुमेल कुमेल यस सर, हाँ बताओ इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर बताओ बेटा। फोर्थ का आंसर क्या लिखा आपने? वो दिख रहा नहीं है उससे, कैमरा उस तरफ घुमाएंगे, एक मिनट। हाँ बोलो कुमेल बेटा, आंसर बताओ फिफ्थ का। सर आई एम नॉट गेटिंग इट। व्हाट आर यू नॉट गेटिंग? यू आर नॉट एबल टू सॉल्व और यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर? मतलब क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, वन टू थ्री, एक भी कुछ भी नहीं बना है। कुमेल वन टू थ्री में से कुछ भी नहीं बना है क्या? नो सर। अच्छा फाइन, तो आप बोले क्यों नहीं पहले ही? चलो बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। कुमेल अभी बताना अगर डाउट आता है, ठीक है? ओके सर। बताया तो देखो, तो बोर्ड पे देखो, बोलो कहाँ दिक्कत है। सी ऑन द बोर्ड, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, फाइन। सो सी एक्स स्क्वायर, आई पुट अ टू हियर, आई पुट अ एक्स हियर, आई पुट अ वन बाय टू हियर, यहां तक यू आर क्लियर? यस सर। सी नाउ 1 by 2 का स्क्वायर इज हाउ मच? 1 by 4? यस सर। एंड देन आई हैव एडेड 1 by 4 ना, सो आई नीड टू सबट्रैक्ट 1 by 4, सो 3 माइनस 1 by 4, व्हिच इज 3 माइनस 1 by 4, यहां तक क्लियर है कुमेल आपको? यस सर। फाइन कुमेल, आपको बाकी जो साइन स्कीम वगैरह एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ना? उसमें भी डाउट्स हैं आपके? नो सर, आई एम क्लियर इन ऑल दैट थिंग। फाइन देखो अभी तो यहाँ पर, अभी बताओ ये इसको कैन यू सी समथिंग, कुछ कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है? ट्राई टू ऑब्जर्व, ये a है, ये 2 है, दिस इज a, x स्क्वायर x प्लस y होल स्क्वायर, हाँ x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 बाय 4 कितना होगा? 11 बाय 4, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लेट्स टेक आउट 3 कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, यहां तक क्लियर है? फाइन, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू बताओ कुमेल, व्हाट विल यू डू? एक्स स्क्वायर गिव अ टू हियर एंड एक्स इज हियर, सो यू हैव मल्टीप्लाइड बाय टू ना? यस सर। सो हियर इज अ थ्री। Yes, sir. So what you want? 1 by 6, na? Yes, sir. So now if once you have given 1 by 6, so what should the value be here? 1 by 36 plus 1 by 3 minus 1 by 36. Yes. Yahan tak tere ko clear hai Kumal? Haan, sir.
चला बता ये क्या लिखा हुआ है बोल. So it will be x plus 1 upon 6 whole square. X upon 1 upon 6 ka whole square plus 1 by 3 minus 1 by 36. How much is that? 11 by 36. Fine. So you are clear to offer what is the doubt? Doubt kya tumko fir? So actually I did a small mistake in calculation thing. I instead of 2x 1 by 6 I did 2x 1 by 2. Okay, fine. Chalega. Chalo, theek hai. 3, 4, 5, 6 ka main answer likh deta hoon. 3 ka answer kitna hai batao? Minus x minus 1 upon 2 ka. Plus 3 by 4. Yeah. Answer banga lijiye. Fourth ka answer. Minus 2 minus x plus 2. 1 by 4 whole square. X minus 7 by 16. X minus 1 by 4. Yeah. Plus 7 by 16. Plus 7. Fifth ka? X minus 1 by 4 whole minus... square. X minus? 1 by 4 ka whole square. 5 by 2. 5 by 2. माइनस वन बाय फोर. अरे क्या चल रहा है यार, फाइव है, तुमने टू दिया, तुमने एक्स रखा, तो फाइव को फाइव बाय टू लिखो, तभी ना टू और टू कटेगा. एक्स माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बोलो? माइनस वन बाय फोर. माइनस वन बाय फोर. माइनस वन बाय फोर. एंड सिक्स का आंसर इज हाउ मच? थ्री ऑफ एक्स माइनस वन बाय सिक्स द होल स्क्वायर प्लस 11 बाय 36. सर लेकिन फिफ्थ को x माइनस थ्री और x माइनस टू था. सर फिफ्थ का नहीं समझा अभी भी. कौन सा नहीं समझा? फिफ्थ वाला. क्या नहीं समझा बताओ? 36 11 बाय 36. बोलो क्या नहीं समझा, बोलो मैं बता रहा हूँ, बोलो. सर x स्क्वायर माइनस टू इनटू फाइव बाय टू. अबे भाई तो 2 इनटू x है, n नहीं है, x है ना, 5 बाय 2 है ना. यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है? 5 बाय 2 कर रहा है ना. तो b स्क्वायर कितना आएगा? इसका स्क्वायर करोगे ना, 25 बाय 4 करोगे ना. सर वो 2 5 into 1 by 2 आएगा ना, आपने वैसे तो बोला. अरे x नहीं के साथ है, रखा है यार. x पे तो तुम्हें n नहीं है, x है मेरे भाई. एंड सेकंड थिंग यार, ये है ना b, तो ये तो आपका x में चला गया ना. यहाँ पे y का काम कौन कर रहा है? 5 बाय 2 कर रहा है ना. हाँ सर. तो 25 बाई 4 आएगा ना, प्लस 6 माइनस 25 बाई 4 कितना आया? माइनस 1 बाई 4. सर. हाँ सर. 6 का 3 इंटू x माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई 9 आ रहा है. हाँ सर. 1 बाई 6 का 1 बाई 3 आएगा. ये वापस से करता हूँ मैं, लिखते हैं. चलो 3 इंटू x स्क्वायर माइनस टू बाई, तुम लोग बेसिक नहीं समझ रहे हो, कैसे भी करके बता रहा हूं. तो ये थ्री आ गया, क्या होगा बताओ? यहाँ पे थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई नाइन है ना. कितना आया ये तीनों टर्म मिलकर? क्या बन गया बोलो? एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू थ्री. क्या बन रहा है बोलो? मेरा तो ये बन रहा है. अरे एक बार करेक्ट चेक कर लो. यस सर, सही है मेरा विषय. सर वो 2 बाय 9 है ना. हाँ सर. वो फिफ्थ वाला x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 भी तो था. हाँ है ना, वो तो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है. मैं ये तुमको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, स्पीड में इसमें कुछ काम होता है, अपने इसलिए बोल रहा हूँ. वो तुम लिखो ना, तुम इसको इक्वल टू जीरो करके रूट निकाल लो. इक्वल टू जीरो करके रूट निकालोगे, टू और थ्री रूट आ जाएगा. यही से रूट निकालते हैं. क्वाड्रेटिक में रूट का ही डेरिवेशन, क्वाड्रेटिक चैप्टर का रूट का डेरिवेशन ही तो कर रहे हैं अपन. और क्या कर रहे हैं?
मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ लोगों को मैं क्या बोल रहा था, तो ध्यान सुनो प्लीज बार क्वेश्चंस तो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से मैं a बाहर निकाला, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स एंड दिस इज प्लस सी बाई ए, फाइन। नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर हियर, सो हाउ डू आई क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। ये टर्म करने में क्यों दिक्कत आ रही है? हा? मैं होमवर्क दूं थोड़े से? यस सर। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन लिख, होमवर्क क्वेश्चन इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, 3 4 2 3 प्लस ये 6 होमवर्क क्वेश्चन है। ओके सर। अब बाय द वे जिनका नहीं हुआ था वो वीडियो में जाके देख लेना कि ये 3 4 5 6 क्वेश्चन कौन से थे, या एक काम कर लेना कोई ग्रुप पे ना 1 से लेके 6 क्वेश्चन जो क्लास में किया ना अभी अपन ने वो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। और कल की क्लास कोई मिस मत करना, कल मैं ये चैप्टर पढ़ा के एक बार खत्म करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो भाई बाय बाय। फिर से पढ़ाओगे पूरा चैप्टर? ये चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा वापस से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके सर, ठीक है।